दिल्ली के पौश इलाके गेटर कैलाश के हेमकुंड कॉलोनी के निवासी इन दिनों गंभीर पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उन्हें पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। गेटर कैलाश हेमकुंड कॉलोनी के निवासियों ने इस समस्या को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हमारे इलाके में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। इससे न केवल दैनिक कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि पानी की गुणवत्ता भी गिर गई है। सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इस पानी की किल्लत का मुख्य कारण यमुना में बढ़ते प्रदूषण और दो जल उपचार संयंत्रों में मरम्मत का काम है। अधिकारियों का कहना है कि 1 नवंबर तक इस समस्या के समाधान की उम्मीद है। इस दौरान गेटर कैलाश बसंत कुंज लाजपत नगर और कई अन्य इलाकों के निवासी इस पानी संकट से जूझते रहेंगे। नागरिकों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करी है ताकि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गेटर कैलाश के हेमकुंड कॉलोनी की, जहां पर देखिए कई सारे आलीशान फ्लैट और बंगले बने हैं, लेकिन यहां पर पानी की समस्या से किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, पोल्यूशन देख लो, हर चीज़ की शॉर्टेज। अगर वाटर भी ऐसे होगा तो फिर तो कैसे ही चलेगा। ये कि हमें रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि ये जल्द से जल्द प्लीज़ इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वाटर का एक तो मेन, क्योंकि बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है, सब पे इफेक्ट हो रहा है। आई थिंक ओल्ड हैं, बच्चे हैं, बालों से लेके हेयर फॉल हो रहा है। खाने में हम वही पानी यूज़ कर रहे हैं, वो तो ठीक होना ही चाहिए ना, उससे पेट की इन्फेक्शन हो जाती है। सो सेहत में भी, हाँ हेल्थ में 101% हेल्थ में तो पड़ता ही पड़ता है सबसे बड़ा इफेक्ट। तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्दी इसको ठीक प्रॉब्लम सॉल्व हो। दिवाली का मौसम भी, हाँ दिवाली का है प्रॉब्लम, तो अभी दिवाली की वजह से पार्टीज जैसे लोगों ने करनी होती है। पानी का टेस्ट ही चेंज है, पानी अब पीते भी हैं तो अब हम बिस्लरी की बॉटल्स मंगा रहे हो, ये कर लो। अब घर पर तो आप पानी यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही है। मैं जी के हेमकुंड कॉलोनी की निवासी हूँ, यहाँ पर हमें पानी की दिक्कत आ रही है। जितनी दिक्कत है दिल्ली का पौश इलाका, यहाँ के जो सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं खुद यही कहे हैं, क्या कहेंगे? यही बोलेंगे कि उनका इलाका है तभी यहाँ पर इतनी पानी की दिक्कत हो रही है। बाकी और दिल्ली में तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, हमें यहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही है। हम लोग के यहाँ टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, दिवाली का टाइम है, दिवाली की सफाई करने में भी इतना सोचना पड़ रहा है हमें। तो हमारी तो यही अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें। तो पानी जो अमोनियात बढ़ा हुआ है उससे जो है सेहत में भी काफ़ी, हाँ बहुत सेहत में उसमें दिक्कत हो रही है बच्चों को। अभी रिसेंटली मेरे को अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया हुआ है। तो हमने चेक करवाया घर में आरओ का पानी, वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है आरओ के पानी में। उसने बताया कि आपके पानी में TDS बढ़ा हुआ है। अभी पिछले महीने ही सर्विस करवाई थी आरओ की, अभी फिर से करवानी पड़ी है हमें सर्विस। तो फिर बच्चों की हेल्थ पर भी इशू आ रहा है, खुद की हेल्थ पर भी इशू आ रहा है हमें। अभी बालों का भी इफेक्ट मतलब बहुत बुरे हो गए पहले से बाल, चलो वो तो एक अलग बात है, पर पहले तो बच्चों की हेल्थ का इशू है, उसको कंसीडर करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सूद है, मैं हेमकुंड कॉलोनी GK1 का रेजिडेंट हूँ। आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ RWA, आई वर्क एज ए ट्रेजरर। सो पानी की हमें दिक्कत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया जैसे, और अभी हम उससे बहुत जूझ रहे हैं। 2-2.5 महीने से तो पानी की इरेटिक सप्लाई है, और अब उसके साथ साथ उसमें अमोनिया और TDS का बहुत ज़्यादा वो है, तो उससे हमें मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं। और अभी आप देखिए पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन, तो दोनों तरफ से हमें लगता है हम इसमें मार झेल रहे हैं। रेजिडेंट जो हैं दिल्ली के वो दोनों तरफ से मार झेल रहे हैं, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है इसको प्रायोरिटी बेसिस पर इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और जैसे मैंने अखबारों में पढ़ा है अभी कुछ ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी जो है उसकी थोड़ी कम है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट की प्लांट की सफाई चल रही है, तो इसको आई थिंक पहले करना चाहिए, मेरे हिसाब से प्लान करना चाहिए था, सो दैट हमें फेस्टिवल के दौरान ये प्रॉब्लम ना आए। बट जो हो गया उसको आई थिंक उसको राइट में रखते हुए वी शुड प्लान इट अकॉर्डिंगली सो दैट रेजिडेंट शुड नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। दिल्ली का पौश इलाका ग्रेटर कैलाश, हाँ जी, काफ़ी रिटायर्ड IAS IPS भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोले सर आप। हाँ, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई उनको अच्छी वो मिले पानी का, पानी तो बेसिक नीड है, उसमें अगर हमें नहीं कर पाते तो मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है डेफिनेटली। और अगर ऐसी जगह में हमारे पानी ऐसा है तो आप सोच सकते हैं जो बाकी इलाके हैं उनमें क्या हाल होगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सरकार को, अथॉरिटीज़ को, सबको ध्यान देना चाहिए।